हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 फ्रैक्शन चैप्टर 7.3 पेज नंबर 147। हमने 8 नंबर तक सवाल कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट, और अच्छे से समझ में भी आप लोगों को आ गया होगा। समझ में अगर आ गया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और ज्यादा ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट टू मोर फॉर इच। यानी कि हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को राइट मतलब बनाकर इन्हें मिलाना है, मतलब मैच करना है कौन सा किसका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखिए इधर कुछ और है इधर कुछ और है, यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल दिया गया है और हमें अब इसके सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के ही देखने होंगे कि कौन सा किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हमने सीधा देखा था कि SCF करना होता है, SCF करके फिर निकाला जाता है। उसके अलावा एक और आइडिया होता है कि हम अगर काटना जानते हैं, टेबल जानते हैं, तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, बट इजिली के लिए हम क्या करते हैं SCF निकाल के करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर देखिए क्या है, 250/400 यानी 250/400। अब हम इसका क्या करेंगे, SCF निकालेंगे, जो SCF आएगा उससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कौन सा किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, मतलब किसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। सॉरी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कौन सा किसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। एक तरह से उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं, मतलब इक्वल हो, ऊपर नीचे कट रहा है यानी इक्वल। चलिए देखते हैं,